हेलो फ्रेंड, आज हम पैनल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे कि पैनल ऑन कैसे होता है। पैनल ऑन करने के लिए सबसे पहले हम मेन स्विच को ऑन करेंगे। मेन स्विच ऑन करेंगे उसके बाद यहाँ ऊपर में तीन लाइट हमको दिखने को मिलती है के आर वाई बी, वो तीनों पावर सप्लाई की है। यहाँ पर मीटर में हमको वोल्टेज उसका दिखने को मिलता है कि कितना वोल्टेज क्या आ रहा है, वो वोल्टेज हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हमारे वोल्टेज में कोई डिफरेंट होगा तो पैनल में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये लैंप हमने रखा हुआ है लाइन वोल्टेज, हमारा जो लाइन वोल्टेज ओके होगा तो ये लैंप हेल्दी कंडीशन में चालू हो जाएगा। उसके बाद हम इमरजेंसी को ऑन करेंगे और कंट्रोल सप्लाई का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी पैनल चालू हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है कि हमारा पैनल कंट्रोल सप्लाई प्रेस करने के बाद ऑन नहीं होता है, तो ऑन नहीं होता है तब क्या करेंगे, तो उससे पहले हम चेक करेंगे हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में हमारा तीनों फेज में 410 से लेके 440 तक उसके बीच में वोल्टेज रहनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो 50 रहनी चाहिए। 50 से ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, मतलब कि एग्जांपल की 2-3% ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए 50 बेटर है अपने प्लांट के लिए। बाकी अंदर में पैनल के अंदर में हमारा जो पैनल के अंदर SPP करके लगा हुआ रहता है, SPP में वोल्टेज का जो सेटिंग है वो, और ये ग्रीन और रेड लाइट, रेड जो है वो तीन फेज अगर हमारे कंप्लीट हो गए तो रेड लाइट जलती रहेगी, ग्रीन लाइट हेल्दी कंडीशन के लिए, हमारा सारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सब हेल्दी कंडीशन में होगा तो ग्रीन लाइट जलेगा। कोई एक फेज हेल्दी कंडीशन में नहीं होगा तो वो ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी, और ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी तब हमको क्या करना है, बंद रहेगी तो भी हमको क्या करना है, बंद हो जाएगी तब भी क्या करना है। तो यहाँ ऊपर में तीन वायर लगे हुए हैं, तीन वायर में हमको पावर चेक करना है। तीनों जो हमारे जनरेटर से जो पावर आती है वहाँ से आता है, वो पावर हमको यहाँ पर चेक करनी है कि हमारा 415 से लेके 440 के बीच में वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हमारा जो ये सेटिंग है, ऊपर वाला जो है हमारा 12.5% है, बीच में है 2% है, नीचे में भी 12.5% है, तो ये तीनों जो पोटेंशियल पोर्ट है वो सही है वो चेक कर लेने हैं। उसके बाद हम आगे, अगर हमारा पावर सही नहीं है तो हम आगे ये जो हमारे फ्यूज लगे हुए रहते हैं 1, 2, 3, या फ्यूज के नीचे की साइड हम पावर चेक करेंगे। फ्यूज की नीचे की साइड अगर ओके ना हो तो फ्यूज के ऊपर की साइड चेक करेंगे, अगर ऊपर की साइड ओके हो और नीचे की साइड ना आ रहा हो तो हम फ्यूज निकाल के उसको चेंज करेंगे तो हमारा पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने, अगर समझो कि जनरेटर चेंज किया है, कोई चेंज ओवर प्लांट में डाला है और प्लांट चल रहा था और बंद हो गया, तो उस टाइम हमारा फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तो फेज सीक्वेंस चेंज होते ही भी हमारा पैनल बंद हो जाएगा। तो ये पहले हमको समझ लेना है कि हमारा फेज सीक्वेंस चेंज तो नहीं हो गया, वोल्टेज और फेज सीक्वेंस ये दोनों के ऊपर ही अपना प्लांट चलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।